thank you so much for having me. And a very, very good afternoon to all of you. And I guess talking about fitness is something that I'm extremely passionate about. I think my very own team and the team at Tata Sky at times are fed up with the amount I talk about fitness. But it means a lot to me because I think my life began with sport. And if there's anything I've achieved, I don't know how much I have, but 130 films and 26 years in the industry. If I have managed to stay afloat, it's only because of my passion for fitness. It was only fitness that got me into the movie business. Someone saw me train, the Indo-Tibetan Border Police, and I was doing a demo for the Maharashtra Police where somebody saw me, in that demo and thought I was a good enough fighter and asked me to do a film. I began with one but ended up finishing another, and people said he's wooden. The film was a success. They couldn't write me off because I was as fit as a fiddle, and it was that fitness that gave me an opportunity to do the 130 films that I've done. And I learned my acting along the way, so I owe my life, as I would say, to fitness. Every time you meet someone, they're amazed with the fitness that I carry, and probably it's also because of the age. I'm 54 today, and I believe I'm as fit as a 21-year-old. So I think that gives me immense pleasure. देखिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि स्वच्छ भारत, हम कहते हैं स्वस्थ भारत. मैं जानता हूं कि ये देखने के बाद गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं कहेगी कि ये होना ज़रूरी है और ये सर्विस हर जगह होना कंपलसरी है, क्योंकि हम सिर्फ उनके लिए नहीं हैं जो बड़े बड़े में शहरों में रहते हैं. हमारी ये सर्विस छोटे छोटे गाँव में भी पहुँचेगी, जो आई थिंक एक नॉमिनल फी पे लोगों को वो सब सिखाएगी जो शायद बम्बई के सारे जिम्स भी मिलाकर नहीं सिखा पाते. और ये मेरा दावा है, और हर 3 महीने में हम कुछ ना कुछ नया करके दिखाएंगे. हम आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताएंगे, हम आपको फिटनेस के बारे में बताएंगे, बेसिक अगर आप रनर बनना चाहते हो तो रनर, स्पोर्ट्स अगर आप खेलते हो तो आपको किस स्पोर्ट के लिए कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए वो हम आपको दिखाएंगे. और कहीं शायद दुनिया में ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं जहाँ एक ही मंच पर आपको सब कुछ मिलेगा. कई सारे ऐप्स पता नहीं अभी पैक अंदर मैंने कभी दिखाया नहीं, लेकिन बॉडी जब मैं आया था तब बॉडी जब लोग देखते तो कहते थे यार विलन बनना चाहिए. आज अगर बॉडी देखे तो बॉडी नहीं है तो प्रोड्यूसर्स कहते हैं यार बॉडी शॉडी बना के आओ, एक्टर बनना. तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि सलमान है, बाबा है, मैं हूँ, सानी है, वो बॉडी की क्रेज़ जो है वो हम लोगों ने लाई. और हम बिलीव करते हैं, मैं बिलीव करता हूँ प्योर नेचुरल ट्रेनिंग में, जो एक्टिव फिटनेस आप तक पहुँचाएगी. बाकी 6-pack ऐप और 8-pack ऐप खरीदी भी जाती है और बनाई भी जाती है. और मैं ना स्टेरॉइड्स लेता हूँ, मैं ना सप्लीमेंट्स लेता हूँ. माँ जो खाना बनाती है वो खाता हूँ. कैसे खाना, कब खाना, किस तरीके से खाना, आई थिंक यही हमारी सर्विस के द्वारा हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं. और इसीलिए मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम सक्सेसफुल रहेंगे. और ये मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये सुनील शेट्टी की वीडियो नहीं है. ये सुनील शेट्टी आपको ना योगा सिखा रहा है, ना कराटे सिखा रहा है, ना बॉक्सिंग सिखा रहा है. सुनील शेट्टी के जर्नी में बहुत सारे लोग हैं जो जिन्होंने उसे इंस्पायर किया हुआ, उनको और वैसे ही यंग बच्चों को जिनसे मैं हर रोज़ सीखता हूँ उन्हें जमा करके एक प्लेटफॉर्म के पर लाके उनके द्वारा मैं सीख रहा हूँ और आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ. आई थिंक वो भाई कहेंगे, सलमान ही कहेगा. मेरे लिए आ रहा है, हमारे लिए आ रहा है, और खुशी इस बात की है कि मेरे एक कहने पे, क्योंकि उसके लिए भी फिटनेस बहुत बड़ी बात है, उसके लिए वो मायने रखता है. आज अगर किसी भी बॉडी, मैं खुद, मेरे अप्स एंड डाउन्स रहे हैं बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर सलमान को देखेंगे आप तो आई थिंक पिछले 20 साल से वो बॉडी की फॉर्म वैसी ही है, वो फिटनेस वैसे ही है. तो बस थैंक यू कहना चाहूँगा सलमान को, एंड होप इट्स अ ग्रेट लॉन्च. सर,